मुझे एक सांस्कृतिक अधपतन इस देश में नजर आता है वो ये कि भारत देश में एक सूत्र वाक्य रहा है और हजारों साल इस वाक्य की भारत के लोगों ने मान्यता रखी है और अपने आचरण में उसको ढाला है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। मूल रूप से ये भावना है, माने नारियों का स्थान इस देश में हमेशा नर से ऊंचा ही रहा है। और वैसे भी नर जो है ना, नारी से भारी नहीं हो सकता। नारी में दो दो मात्राएं हैं, नर में नहीं है। तो नारी हमेशा इस देश में नर के ऊपर रही है और इस देश में जब जब परंपरा में हमारी मान्यता में हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, सीता राम की बात करते हैं, राम सीता की बात कम होती है, नारायण लक्ष्मी की बात कम होती है, ना लक्ष्मी नारायण की बात होती है, सीता राम की बात होती है, माने उमा महादेव की बात होती है। तो हमारे यहां तो यही है, नारी तो हमेशा ऊपर है। कारण उसका है कि भगवान ने कोई विशेष गुण दिए हैं उनको और जीवन को चलाने में उनकी क्षमता हमेशा नर से बड़ी है। हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देखते हैं किसी बच्चे का पिता मर जाए लेकिन मां जीवित हो, उसका लालन पालन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है। जिस बच्चे की मां मर जाए भले पिता जीवित हो, उसका लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसकी मां चली गई उस बच्चे को संस्कारों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भारत में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो मां का होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन की प्रक्रिया में, इसलिए मां का स्थान भी ऊंचा है इस देश में। और मां का स्थान ऊंचा रहा वैदिक काल में तो सबसे ऊंचा रहा है, और वैदिक काल के बाद मध्य काल में भी 8वीं शताब्दी तक बहुत ऊंचा रहा है। ये जब से विदेशी हमले हुए और विदेशी सभ्यता में हम थोड़े से पराधीन होते गए, विदेशी आचार विचार हमारे जीवन में आ गया, विदेशी आक्रमणकारियों के जीवन शैली से हम प्रभावित होने लगे, तब से हमारे नारियों का स्थान नीचे होना शुरू हो गया और वो गिरता चला गया। अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे ज्यादा गिर गया, फ्रांसीसियों के जमाने में, पुर्तगालियों के जमाने में बहुत गिरा, अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा गिरा, उसके पहले थोड़ा बहुत मुगल शासन काल में भी गिरा। तो वो गिरावट हम में आती गई। अब वो गिरावट हमारी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आजादी के बाद हम जब इस सारे विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गए, ये गिरावट रुकी नहीं है, ये बढ़ती ही चली जा रही। इसका मतलब क्या है? विदेशी प्रभाव से शारीरिक रूप से हम मुक्त हो गए, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं मन से और आत्मा से अभी भी हम विदेशी प्रभाव में ही हैं। तो नारी को देखने की जो दृष्टि अंग्रेजों के समय में, नारी को देखने की जो दृष्टि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के समय में इस देश में आई, कमोवेश वही दृष्टि अभी भी हमारी आंखों में बसी है और उसी का प्रभाव है जो नारियों की इस देश में बेइज्जती और दुर्गति हो रही। अंग्रेजों की मान्यता, यूरोप वालों की जो मान्यता है ना, वो नारी के लिए पता है क्या है? बहुत खराब लगता है। सारे यूरोप के दार्शनिक एक बात पर सहमत हैं और वो बात ये है कि नारी में आत्मा नहीं होती। यूरोप के सभी दार्शनिक ये कहते हैं। अरस्तु कहता है, सुकरात कहता है, लिबनिट्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, सारे यूरोप के दर्शन शास्त्री एक से लेकर अंतिम तक सब कहते हैं स्त्री में आत्मा नहीं होती और स्त्री वस्तु के तरह की होती है। जैसे मेज होता है, जैसे कुर्सी होती है, वैसे स्त्री होती है। जैसे कपड़े होते हैं वैसे स्त्री होती है। मेज कुर्सी को समय आने पर फेंक दिया जाता है, वैसे स्त्री को फेंक दिया जा सकता है। समय आने पर मेज कुर्सी को बदल दिया जाता है, ऐसे स्त्री को बदल दिया जाता है। तो यूरोप और अमेरिका के दार्शनिकों ने ये जो मान्यता बनाई और उस मान्यता के हिसाब से अपने देश में सैकड़ों साल उन्होंने जीवन चलाया, वही मान्यता धीरे धीरे हमारे देश में भी आई जब हम यूरोप और अमेरिका के प्रभाव में आ गए और समाज के एक वर्ग में, भारत में विशेष रूप से जो अंग्रेजी से प्रभावित है, अंग्रेजियत से प्रभावित है, उसमें भी ये चेतना बैठ गई है कि स्त्री वस्तु है, मेज कुर्सी की तरह से, पेंट कमीज की तरह से, जब चाहो इसको बदल दो, जब चाहो इसको उठाकर फेंक दो, जब चाहो इसका उपयोग करो, जब चाहे इसका उपभोग करो और जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से अपने हिसाब से कुछ करो। उसका ही दुष्परिणाम है कि हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया दहेज के लिए, हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया छेड़खानी के लिए, हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया उनके गर्भ में ही मर जाने के लिए।
माने इतनी खराब स्थिति हमारे देश में आ गई है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाए क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, गर्भ में से जन्म लेकर अगर आ जाए तो छेड़खानी में मार दिया जाए क्योंकि वो हमारी नहीं सुनती हैं, दहेज की हत्या कर दी जाए क्योंकि वो अपने साथ वस्तुएं लेके नहीं आई हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया है और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बहुत दर्दनाक है। हर घंटे में दो माताएं या दो बहनें हमारी दहेज के लिए मार डाली जाती हैं, हर घंटे में तीन से ज्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, हर घंटे में चार से पांच बहनों माताओं बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो जाती हैं इस देश में और यह बढ़ता ही जा रहा है, बहुत खराब है। 1 करोड़ से ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है इस देश में, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है उस देश में जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति रही हो। अब वो हम इतनी नीचे, इतनी गिरावट में आ चुके हैं, तो हम इस विदेशी प्रभाव में इतने जकड़ गए हैं कि जिस विदेश में स्त्रियों की इज्जत सम्मान कभी रहा नहीं, वैसी ही बेइज्जती और असम्मान हमने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, पहली बार मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी माँ को, बहन को, बेटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था 1950 तक, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि स्त्रियों में कोई आत्मा होती है। और सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक यूरोप की अदालतों में दो या कभी कभी तीन माताओं की गवाही या तीन बहनों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता था, माने तीन स्त्रियां एक पुरुष के बराबर। ये सैकड़ों साल, हजारों साल यूरोप की अदालतों में होता रहा। रोमन साम्राज्य, जिसकी चर्चा सारी दुनिया में की जाती है, इस रोमन साम्राज्य में यह नियम था कि तीन स्त्रियां जो बात कहें वो बराबर है एक पुरुष की कही गई बात के। इतनी खराब स्थिति महिलाओं की रही है और उस खराब स्थिति से यूरोप को बाहर आने में सैकड़ों हजारों साल लगे हैं और उसके लिए वहां पर बहुत आंदोलन चले और उन आंदोलनों का नेतृत्व बहुत सारी तेजस्वी महिलाओं ने यूरोप में किया और काफी आंदोलन चलाने के बाद आज स्थिति वहां बदली है, फिर भी अभी पूरी नहीं बदली है। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप खंड के ऐसे कई देश हैं जहां माताओं को, बहनों को, बेटियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है एक ही पद के लिए। एक पुरुष है वो मैनेजर है, एक स्त्री है वो भी मैनेजर है, दोनों का पद बराबर है लेकिन सिर्फ स्त्री है इस कारण से उसको वेतन कम मिलता है और वो पुरुष है इस कारण से उसको वेतन ज्यादा मिलता है। अभी भी कई देशों में ये स्थिति है 21वीं शताब्दी के आने के बाद भी। 40 साल पहले तक यूरोप के देशों में बैंकों में माताओं को खाते खोलने का अधिकार नहीं था, माताएं, बहनें, बेटियां खाते नहीं खोल सकती थी, खाता खोलते थे या तो उनके पिता या उनके पति, उनमें वो अपना जॉइंट अकाउंट रख सकती थी, अलग से स्वतंत्र रूप से खाता खोलने का अधिकार उनको नहीं था। इतनी गिरावट उनके यहां स्त्रियों और माताओं को लेकर रही है समाज में, उसी का असर हमारे देश पर भी आ गया क्योंकि 250 साल हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और उसके पहले विदेशी प्रभाव में थोड़े बहुत आ गए, तो उसका असर अब चलते चलते यहां तक आया कि भारत में भी दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्याएं, माताओं के साथ छेड़खानी, माताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, माताओं को, स्त्रियों को, बेटियों और बहनों को भोग की वस्तु समझना, उपभोग की वस्तु समझना, इसलिए उनके साथ छेड़खानी करना, इसलिए उनके साथ अन्य खराब से खराब अपराध करना, ये भारत में भी बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की पराकाष्ठा है। अगर हम स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान नहीं जगा पाएंगे, दिला पाएंगे, तो शायद इस समाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि माताएं आधी आबादी हैं और कहीं कहीं भारत में आधी से ज्यादा आबादी हैं। केरल जैसे राज्य की बात करें तो कुल जनसंख्या में माताओं का हिस्सा आधे से ज्यादा है। अगर उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की, वहां भी कुल मिलाकर माताओं का हिस्सा पुरुषों से ज्यादा है। कुछ ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ें, मध्य प्रदेश को छोड़ें, तो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में माताओं का हिस्सा आबादी में पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए माताओं की बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके, उनकी उपेक्षा करके कोई काम इस देश में नहीं किया जा सकता, वो बदलाव का हो या व्यवस्था परिवर्तन का हो।
व्यवस्था परिवर्तन का, बदलाव का कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो माताओं के, बहनों के, बेटियों के पूर्ण सहयोग से ही हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये बात जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी देश के लिए कोई बड़ा काम करने की हम कोशिश कर पाएंगे या समर्थ हो पाएंगे।